उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन उससे पहले ही आज नेताजी ने सीएम अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि इस टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव की हार हुई है। इस सूची से अखिलेश के करीबी माने जाने वाले ज्यादातर लोगों के नाम काट दिए गए हैं। लिस्ट में अखिलेश समर्थक मंत्री पवन पांडे, राम गोविंद चौधरी और अरविंद सिंह गोप का नाम नहीं है। कानपुर कैंट से अधीक अहमद और मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को टिकट दिया गया है, मगर अखिलेश इन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे। अखिलेश ने जिन मंत्रियों को हटाया था उनमें से राजकिशोर सिंह और ओम प्रकाश सिंह को टिकट दिया गया है। राजकिशोर सिंह के भाई ब्रज किशोर को भी टिकट दिया गया है। अभी तक कुल 325 टिकट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें से 176 सिटिंग SP विधायकों की सीटें शामिल है। 78 सीटों पर टिकट बाद में दिया जाएगा। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं होगी। हालांकि अभी तक अखिलेश को सीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा था, वहीं आज के ऐलान के बाद महागठबंधन की अटकलों पर भी विराम लग गया है। तो यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की लिस्ट से तो साफ है कि चाचा शिवपाल कहीं ना कहीं भतीजे अखिलेश पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, और इन सबके बीच सीएम उम्मीदवारी पर नेताजी का यह बयान कुछ और ही कहता है। देखते रहिए DB Live।